हेलो एवरीवन मुझ श्री कुमार आपको वेलकम करुच्छी मिशन ओडिशा गवर्नमेंट जॉब को। तो देखो आज हम इंडियन पॉलिटी पार्ट टू स्टार्ट करके जाऊँ। तो आपने जब पार्ट वन देखी ना मुझे डिस्क्रिप्शन और आई बटन लिंक देदेवि आपने क्वेश्चन गुड़ी निश्चय प्राक्ट करदे कौनपाइना से इंडियान पॉलिटी समस्त इंपोर्टां एमसीक्यूज गुड़ी आपके डिस्कसन करी। तो ठीक अच्छे चलो स्टार्ट कर फर्स्ट क्वेश्चन। इन ह्विच अमेंडमेंट द 10th शेड्यूल वाज एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन कहे कि आपको 10th शेड्यूलटा को अमेंडमेंट द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एड कर। तो मुझे कि आपको फर्स्ट क्लास में कही कि आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने टोटल 12 शेड्यूल अच्छी। ओके टोटल 12 शेड्यूल अच्छी। तो 12 शेड्यूल मध्य मन रखिए फास्ट 8 शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या से आप 8 शेड्यूल बट पर जो आप 9 12 15 शेड्यूल कौन से ना कौन से अमेंडमेंट द्वारा से गुड़ा सब एड कर। ओके तो से मध्य आप 10th शेड्यूल तो 10th शेड्यूल आप कौ अमेंडमेंट द्वारा एड कर। तो मन रखिए आप 10th शेड्यूलटा 52nd अमेंडमेंट। ओके तो 52nd अमेंडमेंट द्वारा आप 10th शेड्यूलटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एड कर। जदि इयर पचार कौ इयर तो मन रखिए आप कौ इयर है 1985। ओके तो आप 1985 10th शेड्यूलटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड कर। आउ देखते लिखा है 73rd अमेंडमेंट। तो मन रखिए 73rd अमेंडमेंटा आप 11 नंबर शेड्यूलटा एड कर। ओके 73rd अमेंडमेंट आप 11 नंबर शेड्यूल एड कर। जदि यार इयर पचार कौ इयर तो मन रखिए 1992। ओके तो 1992 रे आपनकर 11 नंबर शेड्यूल एड कर। आउ देखते लगे जो 74 अमेंडमेंट। तो 74 अमेंडमेंट आपनकर 12 शेड्यूल एड कर। ओके 74 अमेंडमेंट रे आपनकर 12 शेड्यूल एड कर। तार जो इयर पचारा तो मन रखिए से 1992 हो। ओके तो ठीक अच्छे चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्विच डिस्ट्रिक्ट फास्ट पंचायतराज सिस्टम वाज स्टार्टेड। तो आप क्वेश्चन कहते कि इंडिया रो फर्स्ट कौ डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट पंचायत सिस्टम स्टार्ट होता। तो मन रखिए यह सठिक आंसर कौन हो ना नागौर डिस्ट्रिक्ट। ओके नागौर डिस्ट्रिक्ट जोटा कि आप राजस्थान आसे। ओके राजस्थान स्टेट नागौर डिस्ट्रिक्ट आप फर्स्ट पंचायत सिस्टम स्टार्ट होता इंडिया रे। एवं जदि इयर पचारा तो मन रखिए इयर आप कौ इयर हो 1959। ओके तो 1959 ने आप राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट इंडिया फर्स्ट पंचायत सिस्टम स्टार्ट होता। ओके आउ मन रखिए जदि क्वेश्चन आसला कि म्युनिसिपैलिटी सिस्टम फास्ट कौट स्टार्ट होता। तो मन रखिए आप चेन्नई हो। ओके तो चेन्नई रे फास्ट म्युनिसिपैलिटी सिस्टम स्टार्ट होता। तो ठीक अच्छे चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्विच आर्टिकल सेज दैट इंडिया दैट इज भारत सेल बे यूनियन ऑफ स्टेट। तो आप क्वेश्चन कह आर्टिकल आप लिखाई इंडिया दैट इज भारत सेल बे यूनियन ऑफ स्टेट्स बोली। तो मन रखिए आप फर्स्ट आर्टिकल है। ओके आर्टिकल 1 तो आप आर्टिकल 1 लिखाई इंडिया दैट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आउ एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य। ओके बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आपण माने निश्चय एटा मन रखिथे। आउ आर्टिकल 2nd आउ 3rd आपणकर का विषय लिखाई छि तो मन स्टेट फॉर्मेशन विषय लिखाई छि। ओके तो ठीक अछि चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सिटीजनशिप। तो क्वेश्चन कहे कि आपण कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे सिटीजनशिप विषय लिखाई छि। तो मन रखिथे या सटिक आंसर कोन हिजबो ना पार्ट 2। ओके तो मन रखिथे पार्ट 2 रे आपण को सिटीजनशिप विषय लिखाई छि। ओके आउ देखते लिखा है पार्ट 1। तो पार्ट 1 ने कौन विषय लिखाई है ना मतलब पार्ट 1 ने आपर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी विषय लिखाई है। एवं पार्ट 3 रे तो मन के पार्ट 3 आपन को फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज ने फंडामेंटल राइट विषय लिखाई है को पार्ट रे ना पार्ट 3 रे। ओके तो ठीक अच्छे चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिटीजनशिप वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो आप क्वेश्चन कहते कि आम इंडियन सिटीजनशिप आम कौ कंट्री बोरो करचू और आनीचू। तो फर्स्ट कथा आम इंडियन सिटीजनशिप कौ टाइप सिटीजनशिप। तो मन रखिए आम इंडियन सिटीजनशिप आप सिंगल सिटीजनशिप हो। ओके तो सिंगल सिटीजनशिप माने कौन है तो मन रखिए माने जो कंट्री गुड़ा करे ओनली कंट्रीर सिटीजनशिप थाए स्टेट पर किसी स्पेशल सिटीजनशिप न थाए तो से गुड़ा आप सिंगल सिटीजनशिप हो जाए। ओके तो आम इंडिया ओनली सिंगल सिटीजनशिप अच्छी आम स्टेट पर किसी स्पेशल सिटीजनशिप ना बट मन रखिए जम्मू काश्मीर आगु कौन थी ना आगु आपको डुआल सिटीजनशिप थी स्टेट पर गोटे अलग सिटीजनशिप थी आउ कंट्री पर गोटे अलग सिटीजनशिप थी बट एवं तो सीटा स्पेशल पावर उठी तो एवं भी सिंगल सिटीजनशिप होती। तो मन रखिए यार सठिक आंसर कौन हो तो मन रखिए यूके। ओके तो यही सिंगल सिटीजनशिप आम कौ कंट्री बोर करूँ ना यूनाइटेड किंगडम रू। ओके यूके रु आम बोर करूँ आउ देखते लिखाई यूएसए तो यूएसए रन रखिए डुआल सिटीजनशिप। ओके तो ठीक अच्छे चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल्स 12-35 कंटेन ह्विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप क्वेश्चन कहे कि 12-35 आर्टिकल आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौ पार्ट्रे अच्छी। तो फास्ट देखते लिखाई एटी पार्ट 1। ओके तो देखो पार्ट 1 तो पार्ट 1 ने केते रु केते आर्टिकल बंद अच्छी। तो मन रखिए पार्ट 1 आप आर्टिकल 1 रु 4 जाए अच्छी आप पार्ट 1 ने
ओके तापरे पार्ट टू, तो पार्ट टू रे मन रखे आपर फाइव रु इलेवेन जाए, ओके फाइव रु इलेवेन जाए अच्छे पार्ट टू रे, ओके आउ पार्ट थ्री रे, तो देखो पार्ट थ्री रे मन रखे आप ट्वेल्व रु थर्टी फाइव जाए अच्छी पार्ट थ्री रे, ओके तो यार सटिक आंसर कौन है गला ना पार्ट थ्री, ओके तो ठीक अच्छे चल देखे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्वेश्चन कहे कि आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने टोटल कतोटि फंडामेंटल राइट अच्छी, तो मन रखे आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने टोटल छोटी फंडामेंटल राइट अच्छी, बट मन रखे कि पूर्व सतोटी फंडामेंटल राइट थी से मध्य आपको राइट टू प्रॉपर्टी टाक आप फंडामेंटल राइट टू रिमूव कर दिखाई मैंने का दिखाई, ओके आप राइट टू प्रॉपर्टी टाक गोटे लीगल राइट बोली घोषणा कर दिखाई, ओके तो ठीक अच्छे चल देखा आम छोटी फंडामेंटल राइट गुड को, तो देखो आमर फास्ट राइट टा कौन ना राइट टू इक्वालिटी, ओके तो राइट टू इक्वालिटी चौदह रु अठर मत आर्टिकल आस राइट टू फ्रीडम आप उन्नीस रु बाइस मत आर्टिकल आस राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आप तेईस चौबीस आर्टिकल आस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप पचीस रु अठाई आर्टिकल आस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आप अंतीस तीस आर्टिकल आस मन रखिए एकतीस नंबर आर्टिकल जोटा कि राइट टू प्रॉपर्टी, तो सेटा आपनकर केतना नंबर आर्टिकल मते 31 नंबर आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, तो सेटा तो हमर राइट हमर फंडामेंटल राइट रिमूव कर दिया छी, तो सेटा लिखा है एठी, तो आउ देखो तो लास्ट कौन ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जोटा आपनकर 32 नंबर आर्टिकल, ओके तो ठीक अछि चल देखे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपन क्वेश्चन कहो छी कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 ने कौन लिखा है छी, तो मन रखथिबे आर्टिकल 17 ने आपर एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी विषय लिखाई है, ओके एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एवं देखो लिखाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके तो मन रखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ रे आपर आर्टिकल 14 ने लिखाई है, ओके आर्टिकल 14 ने लिखाई है इक्वालिटी बिफोर लॉ विषय, ओके एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, तो एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स विषय आर्टिकल 18 ने लिखाई है, ओके तो लिखी दूसरी लिखाई है आपर 18, ओके एबोल्यूशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 एवं इक्वालिटी बिफोर लॉ टा होची आपनकर आर्टिकल 14, ओके आ एटा त आपनकर 17 हो, तो ठीक अछि चल देखे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपन क्वेश्चन ने कहू छी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो आर्टिकल 21 ने कोन लिखा है जी, तो मन रखिबे कि आर्टिकल 21 ने आपनकर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विषय लिखा है, ओके कोन ना प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विषय लिखाई आर्टिकल 21, ओके आर्टिकल 21 आउ मन रखे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओके आउ देखो लिखाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विषय आर्टिकल 19 लिखाई, ओके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विषय आर्टिकल 19 लिखाई आउ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी विषय 21 लिखाई आउ देखो प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल लिखाई तो मन रखे आर्टिकल 22 लिखाई, ओके कौन ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस रे, ओके तो ठीक अच्छे चल देखे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल एडेड द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्वेश्चन कहे कि कौ आर्टिकल आप 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एड होता, तो मन रखे यार सटिक आंसर कौन है आर्टिकल 21A, ओके तो आर्टिकल 21A टा मन रखे आपको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एड होता आउ मन रखे जो आर्टिकल 21A रे कौन लिखाई तो मन रखे 6-14 वर्ष पिला कंपलसरी एजुकेशन विषय लिखाई, ओके कौ आर्टिकल है ना आर्टिकल 21A रे, तो ठीक अच्छे चलो देखे नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 31 रिमूव्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट फ्रॉम आवर फंडामेंटल राइट्स, तो मुझे आपको कहूँ कि आर्टिकल 31 विषय में आर्टिकल 31 कौन लिखाई है राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि हम फंडामेंटल रिमूव कर दिया है, तो से सही क्वेश्चन पचारि कि जो आर्टिकल 31 टाक रिमूव कर दिया है तो सेटा को अमेंडमेंट द्वारा रिमूव कर दिया है फंडामेंटल राइट रू, तो मन रखे यार सटिक आंसर कौन है ना आपर 44th अमेंडमेंट, ओके तो आप 44th अमेंडमेंट रे आर्टिकल 31 टाक रिमूव कर दिया है फंडामेंटल राइट रू, एवं मन रखे जो इयर पचारा तो मन रखे इयर हो 1978, ओके 1978 आर्टिकल 31
तो मन रखे यार सठिक आंसर कौन हो आर्टिकल 32। ओके तो मन रखे आर्टिकल 32 टा को बी आर आंबेडकर कहते कौन ना शॉल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली। ओके तो ये आर्टिकल 32 रे कौन लिखाई तो मन रखे आर्टिकल 32 रे लिखाई कि जदि आपणकर फंडामेंटल राइट को कई आप आघात करती सुप्रीम कोर्ट रे जाइए या अगेंस्ट रे रिट जारी करेंगे को आर्टिकल हिसाब से ना आर्टिकल 32 हिसाब से। ओके आउ देखो आर्टिकल जो 226 लिखाई तो मन रखे कि आपन को फंडामेंटल राइट को आघात करती आप हाईकोर्ट जाइए रिट जारी करेंगे अंडर आर्टिकल 226 हिसाब से। ओके तो सुप्रीम कोर्ट मन रखते सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गला 32 एवं हाई कोर्ट पाई हो गला 226। तो ठीक अछि चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी रीड्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपन क्वेश्चन है कहूँ कि आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतोटी रीड्स अछि तो मन रखे आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 5 रीड्स अछि। तो ठीक अछि चलो देखिदा से रीड्स गुड़ को तो देखो फास्ट हो कौन आप हेबस कॉर्पस। ओके तो अच्छी फास्ट आप कौन राइट तो देखो फास्ट अच्छे हेबस कॉर्पस मांडामस क्यू वारंटो प्रोहिबिशन। ओके सेट्यूरारी। ओके तो यही आपटा रेड्स गुड़क आप निश्चय मन रखे तो ठीक अच्छे चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और डीपीएसपी। ओके तो क्वेश्चन कहते कि आपणकर कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे डीपीएसपी विषय लिखाई तो मन रखे आपणकर पार्ट 4 रे। ओके तो मन रखे पार्ट 4 रे आपणकर डीपीएसपी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विषय लिखाई। ओके आउ पार्ट 3 रे कौन लिखाई तो मन रखे पार्ट 3 रे आपणकर फंडामेंटल राइट्स विषय लिखाई आउ पार्ट 4 रे कौन लिखाई पार्ट 4 ए रे लिखाई मन रखे आपणकर फंडामेंटल ड्यूटीज विषय। ओके तो ठीक अछि चल देखे नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो क्वेश्चन कहते कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और डीपीएसपी को कंट्री बोरो कराई और अणाई तो मन रखे यहाँ आप आयरलैंड रु बोरो कराई। ओके मन रखे डीपीएसपी आप आयरलैंड रु बोरो कराई तो मन रखे आयरलैंड रु आउ कौन बोरो कराई मन रखे प्रेसिडेंट इलेक्शन टा भी आप आयरलैंड रु बोरो कराई। ओके आउ ऑस्ट्रेलिया कौन बोरो कराई मन रखे ऑस्ट्रेलिया आप कॉन्करेंट लिस्ट। ओके कॉन्करेंट लिस्ट आप ऑस्ट्रेलिया बोरो कराई तो ठीक अच्छे आज ये देन नेक्स्ट क्लास इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित देखा धन्यवाद।